कोई बात नहीं। अच्छा, आपके पति का क्या नाम है? और आपके पिता का नाम? कैसे आप लोगों ने शादी किया? मैंने शादी की हूँ, मेरे पापा ने नहीं देने दे रहा है, कोर्ट से कर ली शादी। मेरा सास ससुर को कोई इतराज नहीं है, मेरे पापा ने धमकी देता है क्या ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी। इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक दरभंगा। ग्राम पोस्ट का चाय पोस्ट हुआ, उसकी थाना हुआ, 2020 में मैंने लम्हारे शादी कर लिया हूँ। और गाँव में जाता हूँ तो गाँव का लोग कुछ ऐसे मार पीट के धमकी देता है और जानवर हमला करते हैं, जिसके कारण मैं गाँव में नहीं रह पा रहा हूँ। अभी सर अच्छी बात है आवेदन देने के लिए कि जब आप हमने कपसाई में जाके चाय रहे कि सर मैं अपने गाँव में रहे। एक ही गांव के रहने वाली प्रेमी जोरों ने अंतर जातीय विवाह कर लिया तो ग्रामीणों ने गांव आने पर पाबंदी लगा दिया। मामला सोनकेओपी क्षेत्र के कपछाई गांव का है। यहां दंपति ने बुधवार को एसएसपी के पास पहुंचे और आवेदन देकर अपनी समस्या सुनाई और गांव में रहने का गुहार लगाई। दंपति ने बताया कि वे दोनों आपस में प्यार करते थे और 20 अप्रैल 2021 को श्यामा माई मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी कर लिया। शादी के बाद दोनों रिश्तेदार के यहाँ रहकर दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनकी एक बेटी भी हुई है। महिला का कहना है कि जब पत्नी को लेकर अपने घर गया तो इस शादी से नाराज लड़की के पिता ने कुछ गांव के दबंगों के साथ मिलकर जान से मारने की धमकी देते हुए गांव से निकाल दिया। लड़की का कहना था कि वह पति के साथ ससुराल में रहना चाहती है, इससे उसके ससुराल वालों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पिता को इससे आपत्ति है जो गाँव के दबंगों से मिलकर गाँव में आने से रोक लगा रहा है। आवेदन में लड़की ने कहा है कि बालिग होने के बाद उसने गांव के ही मोहन यादव के पुत्र सुधीर यादव से शादी की और दोनों खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपके पति का क्या नाम है और आपके पिता का नाम? कैसे आप लोगों ने शादी किया? मैं शादी की हूँ, मेरे पापा ने नहीं रहने दे रहा है, कोर्ट से कर ली शादी। मेरा सास ससुर को कोई इतराज नहीं है, मेरे पापा ने धमकी देता है क्या ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी। क्या तो आप अभी कहाँ आए हैं? अभी एसपी की एसपी सर से मिलने आए हैं आवेदन देने के लिए। हम सब अभी रह कहाँ रही हैं आप लोग? किसी रिश्तेदार के पास। ससुराल में नहीं रह रहे? नहीं सर, भगा देते हैं। ससुराल वाले भी भगा देते हैं? नहीं, ससुराल वाले रखने चाहते हैं पर वो धमकी देता है ना मेरे पापा, बोलता है मार दूंगी ये कर दूंगी। तो क्या ये लोग दबंग लोग हैं या पैसे वाले हैं? किसी को धमका रहे हैं? पैसे वाले हैं, नौकरी है। तो आप क्या चाह रहे हैं? सर पिता का नाम मोगल यादव है, ग्राम कपछाई है, पोस्ट भी कपछाई, थाना सुनकी पर है, जिला दरभंगा बहादुरपुर रहने वाला हूं सर, स्थायी निवासी। क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि सर मैंने लम्बाई शादी किया हूं 2020 में चौथे महीना में, लड़की मेरे पक्ष में है सर और मेरे बेटी भी हो गया है। और मैं बाहर किसी तरह रह रहा हूं, चाह रहा हूं कि मैं अपने माँ बाप के पास रहूं, लेकिन गांव वाला नहीं रहने दे रहा है। गांव वाले को क्या दिक्कत है आपसे? गांव वाले का ये दिक्कत है कि गांव में लव मैरिज किया है तो उसको नहीं रहने देंगे। गांव की लड़की है? हाँ सर, गांव का ही लड़की है। कौन सी गांव की लड़की है? मेरा ही गांव का सर। एक ही गांव के दोनों आदमी? एक ही गांव के दोनों आदमी सर। तो आखिर गांव वाले को क्या दिक्कत इसमें हो? गांव वाले की ये दिक्कत है कि गांव में नहीं रहने देंगे, शादी कर लिया गांव में तो ऐसे, और हमरे जैसे बहुत गांव में रह रहा है सर। आपके शादी से आपत्ति उन लोगों को? हाँ सर। लव मैरिज किस लिए? हाँ, लव मैरिज क्यों किया? तो अभी किन के पास आए हैं? अभी हम सर किसी तरह किसी रिश्तेदार के पास रह रहे हैं। यहाँ जो आए किन के पास? अभी सर एसपी सर के पास आवेदन लेकर आए हैं सर। क्या चाह रहे हैं आप? चाह रहे हैं कि मेरे गांव में जाके इंक्वायरी करें। तो आप लड़का पक्ष लड़की पक्ष के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है? लड़का पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है सर, लड़की पक्ष को आपत्ति है, वो लोग हमको मारपीट कर धमकी देता है।